नमस्ते, दिस इज मी डायरेक्शन श्रेया। जिसको भी गैस बनती है, खाना ऊपर आता है, खट्टा पानी आता है, पीला पानी ऊपर आता है, यहाँ पे पेन होता है या यहाँ पे पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोगों को मालूम है कि एसिडिटी या गैस का पेन है, जो फैटी लीवर की वजह से भी हो सकता है। अगर आपने डायग्नोसिस करा लिया है कि वो फैटी लीवर है, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। पर अभी यहाँ पे जो जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, इनको फैटी लीवर नहीं है, बस एक जो पीसीओडी था वो ठीक हो गया है ना। पर अब हमें क्या करना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है। हम लोग जब खाना खाएं तो खाना हमें सीधा बैठ के नहीं खाना, क्योंकि हो सकता है कि एक जो खाने वाली नली होती है, ईसोफेगस जिसको हम कहते हैं, वहां का जो स्फिंक्टर होता है वो ढीला हो जाता है। सो इसको हमें क्या करना है कि या तो उसकी सर्जरी होती है, पर सर्जरी हम उस लेवल पे जाके कराते हैं जब आपको पता चले कि कुछ भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा, सब बाहर आ रहा है। तो अभी सर्जरी नहीं, हम लोग सिर्फ नॉर्मल बात करेंगे कि ऐसे ठीक करें। सो ये इसको ढक्कन को ऐसे रखना है, वरना अंदर जब खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, तेजाब बनता है तो वो ऊपर को आता है, तो ये ऊपर ना आए इसीलिए वो ढक्कन यहाँ होता है। पर थोड़े से टाइम पीरियड के बाद हमारा लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से, टाइम पे नहीं सोना, ज्यादा फोन इस्तेमाल करना, सुबह अच्छे से उठना नहीं सन के साथ, ठीक है, जब हम लोग ऐसी चीजें नहीं करते, या फ्रिज का पानी पीते हैं, या फिर हम बेकरी के आइटम खाते हैं, अपना जब हम लाइफस्टाइल गलत कर लेते हैं तो हमें इस पे दिक्कत आ जाती है। सो जिनका ये स्फिंक्टर थोड़ा लूज है, ऐसे बैठेंगे चेयर पे टेढ़ा, मतलब सीधा बैठ के खाना नहीं खाएंगे, ऐसे बैठ के खाना खाएंगे ताकि वो जो ढक्कन है वो ऐसा बंद रहे। खाना खाएंगे, खाना जो है छोटी छोटी बाइट्स लेनी है और उसको अच्छे से च्यू करना है। एक बाइट को 32 बार च्यू करना है। अगर 32 बार काउंट नहीं कर सकते तो बस इतना कि वो अंदर ही लिक्विड बन जाए। अगर आपको लगता है कि चावल का टुकड़ा अभी भी पड़ा है या रोटी का टुकड़ा अभी भी पड़ा है, उसको अच्छे से नहीं खाया, वो पानी नहीं बना सलाइवा के साथ मिलके, तब तक उसको च्यू करो। कई लोग क्या होता है, पानी बहुत तेज तेज बॉटल से पानी तेज तेज पीते जाते हैं। तो पहला पॉइंट कि आराम से बैठ के पीछे होके खाना है। आज के बाद से आपने सीधा नहीं खाना, आपने ऐसे बैठना है। अब हम जब खाना खा रहे हैं, टांगे नीचे नहीं होनी चाहिए। कई बार हम टांगे लटका के बैठते हैं, टांगे आपने ऊपर करके बैठना है। या तो पास में कोई कुर्सी लगा लो, या नीचे, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेरे यहाँ पे मैंने ऐसा पट्टा रखा हुआ है, ठीक है। सो मैं अपनी टांगे नीचे लटका के नहीं दूंगी, वरना पूरा दिन बैठ के हम लोगों में वाटर रिटेंशन, वेरिकोस वेन्स और एसिडिटी हो जाएगी। तो अपना पैर जब खाना खा रहे हो थोड़ा सीधा ऐसे रखना, लटकाना नहीं है। नंबर थ्री, खाने के साथ पानी नहीं पीना कभी भी। या हम लोग क्या करते हैं, जैसे खाना खाया और हमें लगता है खांसी हो गई या गैस बन गई, तो हम लोग फटाफट से पानी पी, कहते हैं अथू आ गया, तो हम पानी पी लेते हैं। वो नहीं करना, पानी साइड पे रखो, थोड़ा देर सांस ले लो, पीठ ऐसे कर लो, पर पानी खाने के साथ नहीं पिएंगे। अगर पिएंगे तो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा और एसिडिटी बनेगी। इसके बाद खाने के साथ सलाद, फल, या कई बार हम लोग कच्चा प्याज खा लेते हैं। जिसको एसिडिटी नहीं होती उनके लिए ठीक है, पर जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है वो लोग कच्चा प्याज मिर्ची साथ में ना खाएं। अब कैसे और गैस हो सकती है, हमने ये सब ठीक कर लिया कि कैसे खाना खाना है। टाइट कपड़े नहीं पहनने, टाइट जीन्स नहीं पहननी, टाइट बेल्ट नहीं पहननी है। कई लोग टमी टकर्स पहनते हैं, हमने टाइट कपड़े नहीं पहने, हमने लूज कपड़े वन पीस पहनना है जब तक एसिडिटी ठीक नहीं हो जाएगी। अब अगली चीज, जब हमें रात को सोना है, अपनी टांगे फिर पिलोज नीचे लगा के टांगों को ऐसे रखना है। कई लोग लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे सोते हैं, ऐसा करते हो, गैस होती है इसे। अब से सीधा सोने, ठीक है। वो लोग ब्लेस्ड है जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सो के भी उनको गैस नहीं बनी, पर जब बन गई है तब हमें क्या करना है, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, आप सीधा सोएंगे। और हल्का सा, वैसे तो कहते हैं तकिया नहीं लेना चाहिए, पर आप अपना बेड ही थोड़ा सा, जैसे पेशेंट का बेड होता है ना, उनका ऊपर से थोड़ा अप होता है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, गद्दे के नीचे पिलोज लगा लो दो, ताकि आपका ऊपर वाला एरिया, जैसे मैंने बताया कि खाना ऐसे खाना, वैसे ही आपको ऐसे सोना है, मतलब आपका जो गर्दन है वो ऐसा होना चाहिए, समझ गए। मतलब पेशेंट कभी हॉस्पिटल में हम लोग कभी देखते हैं ऐसे ऊपर को उठा होता है, ठीक है। तो अब से ऐसे खाना खाना है। घास में क्लोरोफिल होती है, जब घास पे बूंदे पड़ी होती है उसकी, हम जब उस पर नंगे पैर चलेंगे हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल है थोड़ा बेटर होता है, ये करना है आपको। उसके अलावा फ्रिज का पानी या फ्रेश पानी के बजाय मटकी का पानी पिएंगे।
मटकी का जो पानी होता है, कई बार क्या होता है आपके घर में कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, आरओ या कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत हार्श होता है, कई बार हमारे खुद के वाटर के मिनरल्स मर जाते हैं और जिनकी बॉडी डेलिकेट होती है फिर उनको वो पानी गैस करता है, एसिडिटी करता है। तो अगर आरओ का भी पानी है तो आप उसको मटकी में शिफ्ट करो और मटकी का पानी 5-6 घंटा रखो, उसके बाद वो वाला पानी आप पियो। तो रोज इनको मटकी का पानी देना है। मटकी के पानी में पुदीने के पत्ते थोड़े से डाल के रख दीजिए, वो वाला पानी पियेंगे, ठीक है। तो हमारी गैस और कैसे बन सकती थी कि हमने आरओ का पानी पिया। तो कई बार गैस हमें पता नहीं होता उससे भी बनती है, फिर गैस अब और कैसे बनती है। मैम कई बार हम लोग जो दूध है ना एल्यूमिनियम के पतीले में उबालते हैं उससे गैस बनती है, या हम लोग जो कढ़ाइयाँ हैं वो हम एल्यूमिनियम की यूज करते हैं उससे गैस बनती है। सो आप कुकिंग के लिए भी स्टील का पतीला इस्तेमाल कर लो, लोहे की कढ़ाई कर लो, कुकिंग के मटेरियल हमें अलग करने, ठीक है। फिर उसके अलावा स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज होती है, स्ट्रेस। रात को टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, अगर आप 7-8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो भी गैस बनेगी। और सुबह जब आप उठे खाली पेट नहीं रहना 2-3 घंटे तक, सुबह उठते ही मटकी का पानी जो बताया था उसमें आप चाहे गोंद कतीरा भी गो लो रात को, और सुबह खाली पेट गोंद कतीरा उसमें डाल के ले लो। अब कई लोगों को खट्टी चीजों से गैस बनती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नींबू से या किसी और चीज से गैस बन रही है, अभी आप अपना डाइट, हम आपका डाइट देखेंगे पिछला क्या रहा है, हम उसमें से वो चीजें चेंज कर देते हैं। तो कई लोगों को पता नहीं होता, कई बार हल्दी से बन जाती है, कैप्सिकम से बन जाती है, ठीक है, कई बार तेल से हो जाता है। कई घरों में तेल को सड़ा के धुआं निकाल के इस्तेमाल करते हैं, उससे गैस बनती है। सो अगली बार जब आपको तेल इनको देना हो पका के नहीं देना, कच्चा तेल जैसे नारियल का ऊपर से डाल देना है, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या बादाम तेल ऊपर से डालना है, तेल पकाना नहीं है। अब जो हमसे पहले के जनरेशन के लोग हैं, हमारे माँ बाप, वो स्ट्रांग है हमसे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे बेटर है। तो अब जिनको प्रॉब्लम हो रही है हमें डाइट में ये चेंजेस करनी है। पीएच लेवल बॉडी का हमें एल्कलाइन, हमारा एसिडिक होता है, हमें एल्कलाइन करना है। सो एल्कलाइन करने के लिए हम लोग कांजी पी सकते हैं, कांजी सुना होगा, मैं अभी रेसिपी दूंगी आपको कांजी। आजकल कॉम्बुचा टी आ रही है, हम लोग वो कर सकते हैं, डाइट में भी आपके सारे और चेंजेस कर देंगे, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने बहुत सारी टिप्स सुनी गैस एसिडिटी के बारे में, लेकिन एसिडिटी का डायग्नोस हो सकता है, डायग्नोस आपको गैस क्यों बन रही है, क्या आपको गर्ड है, आपका इसोफेगस का जो प्रॉब्लम है वो है, एंडोस्कोपी में पता चले, फैटी लीवर है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्या रीजन है, आपको किस चीज से एलर्जी है, सो आईजी लेवल्स हाई है, आपको दूध लैक्टोस, मैक्सिमम लोगों का होता है लैक्टोस, उनको दूध नहीं सूट करता लेकिन डाइट में कहते हैं गैस हो गई ठंडा दूध पियो, तो ऐसा नहीं होता बल्कि वो और एसिडिटी हो जाती है। तो दही ले सकते हैं पर दूध नहीं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।